एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो की शुरुआत होने वाली है उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी शहर का, जो ये गोलापार जाने वाला फाटक है जो आप ये पीछे देख रहे होंगे, बनभूलफरा, वहां से कर रहा हूँ। आज का वीडियो होने वाला है इस पे आधारित। आज का वीडियो भाई, यहाँ पर अतिक्रमण टूटना है। कोर्ट ने बोल दिया है कि भाई अगर हल्द्वानी का स्टेशन का विकास करना है, निर्माण करना है, वंदे भारत चलानी चाहती है रेलवे हल्द्वानी से, तो भाई ये अतिक्रमण हटना ही चाहिए। ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। क्या आदेश आया है, उन्होंने का समय मांगा हुआ है कि यहाँ पर ये लोग जितने भी यहाँ पर बनभूलफरा नीचे लगभग 4,000 से 5,000 के बीच जो घर हैं और 50,000 की जो आबादी है यहाँ पर, उनको पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोल दिया गया है। इनकी जांच होगी, अभी इनको 5 हफ्ते के अंदर यहाँ की सरकार, उत्तराखंड की सरकार और रेलवे को साफ बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई हम लोग 11 सितंबर को हम लोग फिर से अगली सुनवाई करेंगे। उस बीच आपको यहाँ पर बैठक बुला के ये जितने भी घर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, बनभूलफरा, ये बस्ती वगैरह सारा कुछ देख रहा है, इनको पहचान की जाए, इनकी पहचान किया जाए कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है, कब से रह रहे हैं, सारा कुछ डेटा लेना है यहाँ से। तो अभी यहाँ भाई बुलडोजर गरजेगा या फिर इनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, कहाँ शिफ्ट किया जाए, क्या होगा, सारा कुछ मैं आपको यहाँ पर आने वाले समय में बताऊंगा। अभी यहाँ पर क्या क्या जाना है, कहाँ तक क्या होना है, सारा कुछ दिखाता हूँ मैं आपको। बने रहे चैनल, आप वीडियो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करना, सब्सक्राइब ना जरूर करना, चैनल घंटी ऑल पे प्रेस करना ताकि नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। अभी फाटक से नीचे का मैं जरा एरिया दिखाता हूँ। ये वही एरिया है जो यहाँ पर रेलवे को चाहिए है, क्योंकि यहाँ पर रेलवे चलानी चाहती है वंदे भारत ट्रेन। तो वो कैसे चलेगी जब यहाँ से ये झुग्गी झोपड़िया और ये सारा जो बनभूलफरा का ये 4,600 जो घर हैं वो हटेंगे, तब जाके यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन चलेगी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ को भी पूरा अतिक्रमण युक्त है ये जमीन, देखो रेलवे। और कोर्ट ने ये भी कहा, रेलवे को ये भी नहीं पता कि यहाँ पर कितनी जमीन है, ये भी रेलवे को नहीं पता, ऐसा भी पुख्ता सबूत नहीं दे पाई रेलवे। अब यहाँ के लोगों का ये कहना है कि हमारी जमीन है, ये हमारा हक है, हम यहाँ पर पुश्तों से रह रहे हैं, ऐसा। तो कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई कोर्ट इतना निर्दयी नहीं हो सकता। कोर्ट का कहना साफ है कि इनको बिल्कुल दूसरी जगह बसाया जाए, इनको एकदम ऐसा न उजाड़ा जाए, ऐसा भी कोर्ट का कहना है कि भाई कोर्ट निर्दयी फैसला नहीं लेगा, इनकी सहमति होगी, ऐसा बोला गया है कोर्ट से कि भाई ये लोगों की सहमति होगी और सबकी सहमति होनी चाहिए यहाँ पर इसके, इनको पुनर्वास के लिए सरकार सोचे, ऐसा बोला गया है 11 सितंबर को। अभी क्या होने वाला है, क्या होगा आगे को, वो सारा कुछ मैं बताऊंगा। ये सारा कुछ अगर यहाँ पर 11 सितंबर को फैसला आता है कि इनको दूसरी जगह पुनर्वास दिया जाए, दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, तो यहाँ पर ये सारा कुछ हट जाएगा, सब बुलडोजर से उड़ जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये पीछे पीछे तक है, वहाँ आप जो देख रहे होंगे वो नमाज घर, वो टैंकी, उससे थोड़ा इधर से पूरा यहाँ से निकल जाएगा। और ज़रा मैं ये साइड का भी ज़रा एरिया दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ का ज़रा मैं क्षेत्र दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो ये साइड का जो भी अतिक्रमण है, ये भी सारा कुछ यहाँ से हट जाएगा, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये साइड का, ये देखिए यहाँ पर ये जो भी है, ये सब कुछ यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। कोर्ट ने सख्त आदेश दे दिए गए हैं यहाँ पर, ये देखिए। और आगे दिखाता हूँ मैं आपको, देखो लोगों ने यहाँ पर ट्रेन पटरी पे बकरियाँ ऐसे छोड़ रखे हैं, देखो, और यहाँ पर कपड़े वगैरह ऐसे सुखा रखे हैं, ये देखिए। एक नमाज सतल है, ये भी एकदम रेलवे से लग के है, देखो लोगों ने गद्दे भी सुखा रखे हैं यहाँ पर, ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये पटरी नीचे तक है, ये बनभूलफरा नीचे से चालू हो जाता है, वहाँ से रेलवे सारा यहाँ से हटा देगी ये सब, इनको दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात चल रही है, ऐसा मीटिंग बिठाने बोला है। आने वाले समय में क्या होगा, ये देखिए आपकी जो ये नमाज का ये दिख रहा है, ये भी यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, ये काफ़ी नीचे तक है। और ये साइड का ज़रा मैं यहाँ पर एरिया दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर कुछ दिन पहले यहाँ पर झोपड़ियों में आग लग गई थी, काफ़ी झोपड़ियाँ यहाँ पर जल के भस्म हो गई थी, फिर से यहाँ पर जैसे पहले था वैसे लगभग बन गया है, जैसे पहले था वैसे ही बन गया है अभी यहाँ पर। ये देखिए कुछ झोपड़ियाँ अभी भी जली हुई है, देखो उनके निशान भी मैं दिखा देता हूँ, देखो अभी भी यहाँ पर इसके अवशेष हैं। ये देखो ये झोपड़ी जल गई थी, ये झोपड़ी जल गई थी, यहाँ पर पेड़ वगैरह सारे जल गए थे, अभी भी जली हुई यहाँ पर हालत में है, ये देखिए, ये देखिए। अंकल कैसे हो, अंकल 2 मिनट,
सर आप कहाँ से आ रहे हैं? नमाज पढ़ के जा रहे हैं ऐसे पढ़ने। सर एक मिनट, एक चीज़ पूछूंगा, जिस तरह से यहाँ पर कोर्ट का फैसला आया है कि यहाँ पर ये लोगों को जितने भी बनभूपुरा एरिया में जो अतिक्रमण था वो हटाने की बात चल रही है, तो अभी जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि इनको पता किया जाए यहाँ कि यहाँ पर कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, बैठक करके उसके बाद इनको दूसरी जगह पुनर्वास दिया जाए, तो आप इस बात से सहमत हैं? नहीं नहीं, ये कह रहे हैं कि आपको दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, तो आप तैयार हैं जाने को पीछे? तो ये फैसला कैसे रहेगा, आप क्या मानते हैं? अभी 11 सितंबर को सुनवाई है, हाँ। वो कह रहे हैं कि इनको सब जान पहचान करके दूसरी जगह पुनर्वास दिया जाए और यहाँ से हटा के रेलवे ट्रैक बनाया जाए, इस पे सहमत है आप? आप क्या कहेंगे सर? ये बनभूलपुरा में जो अतिक्रमण का जो कोर्ट में सुनवाई हुई, वो कह रहे हैं कि इनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, तो आप सहमत हैं? यहाँ से सहमति ली जाएगी बल यहाँ के लोगों से कि आप दूसरी जगह? हाँ, तो आपका क्या तर्क है इस पे? पचास हजार की आबादी यहाँ पर है, तो कोर्ट ने ये कहा है पचास हजार ही है रेलवे अतिक्रमण की जो भूमि है, 50,000 लोगों ने कर रखा है। अगर आप अभी किसी का घर उखाड़ोगे सर, बताओ? नहीं नहीं नहीं, घर उजाड़ने की बात नहीं हो रही है, कोर्ट का अभी परसों फैसला आया, कोर्ट ने ये कहा है कि इनकी जान पहचान की जाए और इनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। ऐसा करें दूसरी जगह इन्हें शिफ्ट कर दें, तो दूसरी जगह अगर इनको पुनर्वास का मतलब वही होता है कि दूसरी जगह रहने देना, तो आप सहमत है जाएंगे? सब जाने के लिए तैयार हैं, आप दूसरी जगह देंगे? आपका भी आ रहा है इस एरिया में कहीं? वो जो सामने टावर दिख रहा है, अच्छा वो आ रहा है आपका? कहाँ तक लेने की बात है? ये टंकी तक ले रही है रेलवे जमीन? नहीं, खाली ये बताया अभी पीछे का ही बताया। ये जो यहाँ पर ये दीवार दिख रही है, यहाँ से इधर को लिया जाएगा? खाली दीवार से इतने तक क्या है, ज्यादातर झोपड़ियाँ ही आएंगे यहाँ, परिवार बहुत है आगे तक। तो अभी अगले महीने यही होना है की बैठक होगी, तो अगर दूसरी जगह जाने कहेंगे तो आप जाने को सहमत हैं? आपसे भी पूछा जाएगा, तो आप क्या जवाब देंगे वहाँ? अगर आप हमें और कोई सी जगह देंगे यहाँ से रहने के लिए, तो हम जाने के लिए समझ, कोई दिक्कत नहीं है, रेलवे भूमि छोड़ने को तैयार हैं आप? रेलवे छोड़ने को तैयार हैं। चलो, अगर हमें कोई जगह तो दी जाए, हाँ हाँ, उस पर बात चल रही है, जगह मिलेगी तो आप जा सकते हैं? आप, हम जा सकते हैं, आप जैसा आप। चलो ठीक है, धन्यवाद। वीडियो समाप्त करते हैं। आने वाले 11 सितंबर को यहाँ पर क्या फैसला आना है, कोर्ट क्या सुनवाई करेगी, ये बैठक में क्या निर्णय निकलता है, कहाँ इनको शिफ्ट किया जाता है और किस जगह इनको रहने के लिए दोबारा दिया जाता है, तो यहाँ पर लगभग टूट ही जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि सरकार को यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन चलानी है यहाँ पर हल्द्वानी में। तो यहाँ पर अभी अगले बार कोर्ट में क्या फैसला आता है और किस तरीके से यहाँ पर निर्णय होता है, इनको कहाँ जगह दी जाती है दूसरी जगह, और इनकी समिति क्या बनती है रेलवे विभाग और राज्य सरकार की, वो सारा कुछ आने वाले समय में आपको यहाँ पर डे टू डे मैं अपडेट देते रहूँगा, और क्या कुछ होगा सारा कुछ हम बताएंगे। एक बार फिर देश चर्चाओं का विषय बना हुआ है, यहाँ पर बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण की जो भूमि थी वो यहाँ पर चल रहा है उसका जैसा भी है। अब वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय देवभूमि उत्तराखंड। बने रहना चैनल को, सब्सक्राइब जरूर करके जाना भाई लोगों।